वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। और आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और हम आज पुलाव बनाएंगे। देखिए, हमने लिया है आधा किलो बीफ लिए, रवास वाला और हड्डियों वाला, ठीक है। और हरी मिर्चें ली हैं 4-5, और टमाटर लिए हैं 2-3, और ये हमने प्याज 2 डल ली, तल के निकाल ली। और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया। उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करेंगे। 1 कप तेल लेंगे, ठीक है। 1 कप तेल लेकर हमने भगोने में डाल लिया है। अब इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने तेल में अदरक लहसुन डाल के बीफ डाल दिया है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट तो डाल दिया है हमने। हरी मिर्च ऐड करेंगे हम, ठीक है, 3-4 हरी मिर्च। और ये हमने डाल दिया है। एक दो मिनट हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है। 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें इसे ज़रा भूनेंगे। इसमें हम पुलाव बिरयानी मसाला डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें हमने टमाटर शामिल कर लिए थे, और इसमें हमने 1 कप दही शामिल कर लिया था। उसके बाद हमने इसको थोड़ा हिलाकर 1 कप पानी डाल के हमने इसको ढाप के रख देंगे, ठीक है। हमने चावल लिए हैं, ये 2.5 गिलास हमने चावल लिए हैं। इसको हम भिगो देंगे जब तक गोश्त गल जाने तक। ये चावल हम भिगो देते हैं। पुदीना ले लिया है, इसे हम दम पे डालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी हंडी अभी ये तैयार हो रही है। हंडी ये देखें, हमारी यखनी चने पे हम इसमें चावल डालेंगे। पहले चेक कर लेती हूँ कि गोश्त गला है या नहीं। ये देखें कि हमारी यखनी तैयार है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें हमने चावल ऐड कर लिया और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दिया है। ये देखें, अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। ये देखें, हमने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम हल्की आंच में ढक कर रख देंगे, और उसके बाद हम एंड में दम पे धनिया और धनिया पुदीना, हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी ना। हमने धनिया पुदीना डाल दिया है दम पे। अब इसे ढक कर रख देंगे हम। ये हमारे पास पुलाव तैयार है गर्मा गर्म। और आप लोग मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।